एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है, वन नंबर ही दैट। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्या बोला इसमें, वन नंबर इज एडेड टू 4, नंबर को में 4 ऐड किया आपने, ठीक है, नंबर में 4 ऐड किया आपने, ठीक है, द रिजल्ट इज इक्वल, रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन आपने सपोज के लिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर है क्या है आपका एक्स है, ठीक है, आप देखा जो नंबर है वो एक्स है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंटिन्यू उस नंबर में 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर लिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों प्लस करने पर जो आएगा कि रिजल्ट क्या बोल रहा है, वन द नंबर इज एडेड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, उस नंबर के 3 टाइम्स में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, उस नंबर का 3 टाइम्स फ्रॉम इट, 3 टाइम्स, 3 टाइम उस नंबर क्या है एक्स है, वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3x, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो, बन गया, समझ आई बात, ये वो कंडीशन क्या है, बोला एक नंबर है जिसमें आप 4 ऐड करो, 4 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके बराबर है, उस नंबर के 3 टाइम्स में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो, उस नंबर का 3 टाइम्स 3x हो जाएगा, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, ठीक है, समझ आ रही बात, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, व्हाट इज़ द नंबर, आपको नंबर निकालना है, ठीक है, तो इक्वेशन बन गई हमारी है। अभी जो सॉल्व करेंगे तो एक्स वाली एक्स्ट्रा उधर कर लेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं ये एक्स सीरियस उधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस एक्स उधर भेज देते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा ना, ये समझ आ रही बात, तो इस एक्स को उधर भेज देते हैं, 4 को दे देते हैं, 4 को दे रहे थे माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा, और 3x इधर मौजूद ही है, इधर एक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, समझ आ रही है, तो 4 प्लस 10 कितने हो गए, 14 इक्वल टू 3x माइनस एक्स कितने हो गए, कितने हो गए, 2x हो गए, तो आपको x निकालना है, तो क्या करेंगे, x को यहीं पर रखोगे, 14 2x से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 14 डिवाइड बाई 2 7, तो x इक्वल टू 7, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 7 आ गया, बोलोगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज, लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो गया, आंसर चेक करो इससे।